हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं चौलाई की बर्फी। कहीं पर इसको रामदाना भी बोला जाता है। तो चलिए भूनना शुरू करते हैं। हाई फ्लेम पर रखी हमने कढ़ाई। कढ़ाई में डाल रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा चौलाई का दाने, और इस तरह से हमें भूनना है और हमें चौलाई को हाई फ्लेम पर ही भूनना है। तो इस तरह से हमने सभी चौलाई को भून लिया है। अब हम बनाने जा रहे हैं एक गाढ़ी चीनी की चाशनी। तो लो फ्लेम पर रख रहे हैं हम कढ़ाई। कढ़ाई में हम डाल रहे हैं एक गिलास चीनी, आधा गिलास पानी उसमें, और लो फ्लेम पर हमें तब तक पकाना है जब तक कि चीनी घुल ना जाए। उसके बाद हम डालेंगे भुने हुए मूँगफली के दाने और भुने हुए खरबूजे के बीज। इस तरह से डाल करके हमें दोनों चीज़ों को अच्छे से चलाना है। और अब हम डाल रहे हैं एक चम्मच देसी घी। घी हम इसलिए डाल रहे हैं जिससे कि बर्फी हमारी अच्छे से सॉफ्ट बने। और लास्ट में हम डाल देंगे चौलाई। चौलाई को इस तरह से हमें मिला लेना है, फ्लेम को बंद कर देना है और एक बड़ी परात में इस तरह से सेट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारी चौलाई कि बर्फी बनकर तैयार हो गई है नवरात्रों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और सपोर्ट करना ना भूलें। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रे।